ये मोहम्मद कलीम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे दिल्ली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जिस रैन बसेरे में धर्मांतरण की कोशिश की गई, वहां से TV9 की रिपोर्टर शालिनी वाजपेयी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले, और शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट भी हो चुकी है, फिर उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी रिपोर्ट। दिल्ली में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक और मामला सामने आया है। ये तुर्कमान गेट के सामने ये शेल्टर होम है, जहां पर तमाम लोग रहते हैं जो बेघर होते हैं। यहीं पर एक मोहम्मद कलीम नाम का एक शख्स है, जो कि इसी तरह के शेल्टर होम्स में जाता था। ऐसा विकी शर्मा, जो जिनको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, उन्होंने बताया कि वो इसी तरह के रैन बसेरों में जाता था और लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। उनको जाकिर नाइक के वीडियो खाता था और उनको नौकरी का लालच देता था और ये पैसे का लालच देता था, और फिर भी अगर नहीं लोग मानते थे तब फिर उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी कोशिश की उसने, और परेशान भी किया। ये विकी शर्मा का कहना है कि, और जो अभी जो चांदनी महल पुलिस स्टेशन में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं वो हैं संदीप सागर। संदीप सागर भी रैन बसेरे के केयर टेकर हैं, और विकी शर्मा जो हैं वो इसी रैन बसेरे में कर्मचारी हैं और यहीं पर सुजीत रहता है। तो एक जो शिकायत हुई है संदीप सागर की तरफ से, उसमें सुजीत और विकी शर्मा ने बताया है कि किस तरह से उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की कलीम ने। और आइए आपको सीधे दिल्ली के तुर्कमान गेट लिए चलते हैं, शालिनी वाजपेयी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, गंभीर आरोप हैं, तीन लोग इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की मोहम्मद कलीम नाम के शख्स ने। यह शख्स अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस क्या कह रही है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए, पुलिस यहाँ पर लगातार आ रही है, छानबीन कर रही है। जो आश्रय गृह जो है, ये रैन बसेरा है, ये तुर्कमान गेट के सामने है, और यहीं पर जो केयर टेकर हैं विकी शर्मा, वो भी हमारे साथ हैं, और दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार आ रही है, यहाँ पर बातचीत भी कर रही है सबसे, और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो आखिर शख्स, उसका मकसद क्या था, टारगेट उसके रैन बसेरा की ही क्यों थे, क्यों रैन बसेरे में बेघर लोगों को जाकर परेशान करना, उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना क्यों ये कर रहा था। विकी शर्मा खुद बताएंगे, और बड़ा खुलासा खुद विकी शर्मा करेंगे कि आप बता रहे थे कि एक शख्स को और उसने बाकायदा धर्म परिवर्तन करा दिया है, उसका भी आप जिक्र कर रहे थे। एक शख्स का धर्म परिवर्तन करवाया है, लेकिन वो रैन बसेरे में नहीं कराया है, वो बाहर कराया, और नहीं वो रैन बसेरे में रहता था, उसको 2 साल पहले ने धर्म परिवर्तन कराया। रैन बसेरे में उसका सीधा सीधा आने का मकसद है कि रैन बसेरे में गरीब लोग हैं, रैन बसेरे में वो लाचार लोग हैं, जिनको इजिली पैसे के दम पे या कोई भी लालच दे के किया जा सकता है। ये या तो मानसिक संतुलन जो लोग कम होते हैं उनको ये डिस्टर्ब ज़्यादा फोकस करते हैं, या तो फिर जो जैसे मैं हूँ या इंचार्ज, नहीं लगता है कि यहाँ इसके अंदर इतने सारे लोग हैं, इंचार्ज को हाथ में लिया तो 10 को और कर सकता है, या तो ये है, या तो फिर इनका ऑप्शन ये होता है कि भाई अपने पास लालच दो, बुढ़ापा हो या कुछ हो, लालच दो लड़की का, लालच दो प्रॉपर्टी का, जॉब का, तो करेंगे। बात हूरों की बात हो रही थी कि हूरे आपको हम कह रहे थे शादी करा देंगे, हूरे मिलेंगे, इस तरह की बात कर रहे थे आप? कह रहे थे हम आपको लड़की देंगे, लड़की से शादी कराएंगे, खूबसूरत लड़की से, और इस जन्म में तो आपको ये मिलेगा, अगले जन्म में आपको 72 हूरें मिलेंगी, इस्लाम में आपको जन्नत मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, मुझे ना जिस की जन्नत की जरूरत है, ना मुझे हूरों की जरूरत है, ना मुझे अपनी शादी ही नहीं करनी, अगर मैं हिंदू धर्म हूँ मैं क्यों करूँ शादी, मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ना करने पर धमकाया, ना करने पे धमकाया, सर कलम करने की बात करी उसने कई बार, लेकिन हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते थे। आज हमारे साथ पुलिस है और पुलिस ने हमारी मदद करी, और अभी खड़ी है पुलिस और वो मदद कर रही है, पल पल मदद कर रही है जी। पहले नहीं हुई थी मदद, अब मदद हुई, DCP साहब के कहने पे काफ़ी हेल्प हुई हमारी, और FIR भी हुई, उसको इन्वेस्टिगेशन किया गया। हम नहीं कहते, अगर हम भी गलत हो, ऐसा कोई नहीं कि हम ही कुछ वो है, जो भी गलत उसको सजा होनी चाहिए। संदीप पहले से ही डर गया, संदीप किसी से बात नहीं कर रहा है। देखिए, संदीप के हैं 2 छोटे छोटे बच्चे, उसकी एक गरीब फैमिली, पूरे परिवार को चलाने वाला व्यक्ति वो है, वो डरा तो क्या है, वो रोटी भी नहीं खा पाएगा, उसका डर है ही है, वो किसी सूरत में आपको बयान या किसी व्यक्ति को बयान नहीं दे सकता है। उसकी मदर की तबीयत थोड़ा ख़राब हुई है, बीमार हुई है, इसी चलते कि भाई पता ना क्या हो जाए मेरे बेटे को। हालांकि अब मीडिया खड़ी है, पुलिस खड़ी है, कुछ होगा नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन हम भी ये नहीं जानते हमारे साथ कब क्या हो जाए। नहीं, एक सवाल ये भी है कि रैन बसेरे तक उससे पहले पुलिस ये मोहम्मद कलीम नाम का शख्स कैसे पहुंचता था रैन बसेरे में, भी क्या कोई उसके मददगार थे जो उसकी इन बातों को बढ़ावा दे रहे थे?
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई तथ्य सामने आए हैं क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं समीर, की पुलिस अभी सिर्फ बातचीत कर रही है, सबके बयान दर्ज कर रही है और पुलिस अभी कह रही है कि हम तहकीकात के बाद ही कुछ कहेंगे। अच्छा। अभी जो सुजीत से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि वो पर्चियां लेकर आता था, क्योंकि फंड का उसको दिखाना होता था कि इतना पैसा हमारे पास है और अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम आपको मोटी रकम देंगे, नौकरी देंगे, इसलिए वो पर्चियां लाता था। और ये लोग भी आप नजर बनाकर रखिएगा।